अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलूफर सरवर अंसारी और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मसूर की दाल की। और हम इसे अक्सर अपने घर पे बनाते हैं, तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक कप मसूर की दाल ले ली है। अब इस दाल को हम कुछ मसालों के साथ गलाएंगे। तो इसमें हमने हरी मिर्ची ले ली है 5, और 1 टेबलस्पून हमने लहसुन के जवे लिए हैं, और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, और इसे हमने इस तरह से बारीक काट लिया है। और इसे ऐड कर दें इसमें, और दाल में थोड़ा पानी भी ऐड कर दें, और इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स करें। इसमें हमें नमक ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने नमक ऐड कर दिया तो दाल जो है वो गलेगी नहीं जल्दी से, तो आपको नमक ऐड नहीं करना है इसमें। इसमें पानी ऐड कर दें और इसे गलने के लिए रख दें। मसूर की दाल जो कि जल्दी गल जाती है, इसलिए आप इसे 3 सीटी तक ही गला लें, और उसके बाद जब ये दाल गल जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और इसे उबलने दें। अब इस वक्त इसमें नमक ऐड कर दें, और जब ये उबल जाए तो साइड में रख दें। अब इसका तड़का लगाएंगे। तो आधा कप हमने तेल गरम कर लिया है, इसमें आधा टेबल स्पून राई और आधा टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। आंच को स्लो कर दें। अब इसमें कटा हुआ लहसुन ऐड कर दें 2 टेबलस्पून, और करी पत्ता ऐड कर दें 1 स्टिक, और रेड चिल्ली 5-6 रेड चिल्ली ऐड कर दें। जैसे ही ये सारा मसाला लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें हम तड़का लगा देंगे दाल में। तो जो दाल हमने उबाल के रखी थी उसमें हमने फ़ौरन ही तड़का लगा देना है, और जो ढक्कन है उसे फ़ौरन ढक दें, और 2 से 3 मिनट बाद ही ढक्कन को हटाएं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दें 1/2 कप। तो ये दाल अब तैयार हो चुकी है। इसे आप गर्मा गर्म चावलों के साथ और रोटी के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह आपको ये दाल बहुत पसंद आएगी, तो आप हमेशा इसे इसी तरह से बनाएंगे मसूर की दाल को। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये कैसे बनी थी। ऐसे ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ हम आपके साथ और भी शेयर करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और जो नए देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे अपलोड की हुई रेसिपीज़ की। तो दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।